हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइस, व्हाट्स अप। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा। सो गाइस, देखो बात ऐसी है कि गो फेस्ट के टाइम एक नया मिथिकल पोकेमोन आपको देखने को मिलेगा। बट मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ वीडियो की स्टार्टिंग में, गाइस आप गो फेस्ट के टाइम उस पोकेमोन को कैच नहीं कर सकते हैं गाइस। तो पोकेमोन कौन सा है गाइस? वो पोकेमोन किसी के पास भी नहीं है। पोकेमोन गो में पोकेमोन रिलीज नहीं हुआ अभी तक। उसका नाम है गाइस होपा। अब कैसे उसको प्रोनंशिएट करते हैं वो मुझे भी नहीं पता गाइस, बट उसका नाम कुछ ऐसे ही है, होपा होपा काइंड है गाइस। तो ये जो पोकेमोन है ये 17 जुलाई को सुबह शाम को शायद से आपको लोडिंग स्क्रीन में देखने को मिलेगा 6 PM से, ठीक है। और ये जो लीक है गाइस ये हम लोग को देखने को मिली है ट्विटर पे। अगर आप लोगों ने ट्विटर में जो फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ फॉलो वॉलो करो ताकि अपडेटेड रहो गाइस। सो गाइस, अब बात आती है कि ये जो पोकेमोन है फिर कब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई चांस हो चुके हैं, जो लोग आरकेएस गिराटिना हम लोग जो गैस कर रहे थे वो गैस शायद से गलत हो सकता है। हम लोगों को होपा गाइस देखने को मिल सकता है अल्ट्रा अनलॉक में गाइस। अल्ट्रा अनलॉक जो इवेंट है गाइस वो गो फेस्ट के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अल्ट्रा अनलॉक के बारे में मैंने टोटल पूरी एक वीडियो बना रखी है, जाके चेक कर लेना, आई बटन पे लगा दूंगा वीडियो। तो गाइस, होपा जो पोकेमोन है इसके एसेट्स अपडेट कर दिए गए हैं और मैं आपको बता दूंगा गाइस ये पोकेमोन गो में ये एसेट्स आज अपडेट नहीं हुए हैं, ये करीबन 1 साल पहले से अपडेट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने अक्टूबर 2020 में भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, बट तब से लेके अभी तक आया नहीं है। बट अब ये पूरा कंप्लीट एसेट इसका अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसकी जो पोस्ट है इसमें कमेंट में पढ़ेंगे जाके, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि इसके पीछे एक रीज़न है होपा आ भी सकता है गाइस। वो ये कि जो होपा के पास जो ताकतें हैं गाइस वो कंट्रोल करने की ताकतें हैं, वो सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स को कंट्रोल कर सकता है ऐसा बोला जाता है। तो अभी ये मुझे भी इतना नहीं पता, मैंने खुद पढ़ा है वहाँ पर कमेंट्स में लिखा हुआ है कि मे बी एक साइकोलॉजी हो और होपा एक साइकिंग एंड गोस्ट टाइप पोकेमोन है गाइस। तो इसके जो चांस है गाइस अभी क्या है कि ये पूरा लीक के ऊपर है, पोकी माइनर्स ने इसको निकाला है, माइन किया गाइस। वैसे गाइस ये एक डिफरेंट टाइप का पोकेमोन आने वाला है और आप लोगों को पता है कि ये आरकेएस के टक्कर का पोकेमोन है। अगर होपा अनबाउंड आता है गाइस तो वो आरकेएस की टक्कर का रहेगा। सो गाइस, अभी क्या करना है आप वो सुन लो, आप लोग कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को होपा के बारे में क्या पता है गाइस। अगर आप में से कोई भी उसका यूनिक कुछ ऐसी बात कमेंट करेगा जो मुझे नहीं पता होगी और लोगों को नहीं पता होगी तो मैं उसको पक्का गाइस हर्ट या पिन भी कर सकता हूँ। सो फटाफट से गाइस कमेंट करो होपा के बारे में और कितने एक्साइटेड हो गाइस, क्योंकि इतना बड़ा मतलब लीक आना, पूरा मतलब बंदे ने पोकी माइनर्स ने पूरी मतलब खुदाई कर दी है गाइस, ठीक है, तगड़ी वाली खुदाई हुई है यहाँ पर। और ये जो एसेट्स हैं गाइस ये कल रात से मैं देख रहा हूँ, बस वेट कर रहा था सुबह का ताकि वीडियो बनाऊं अपलोड करूं। वैसे मैं रात में वीडियो अपलोड कर सकता था बट वही है, रात में अपने ऑडियंस होती है तो हमने बोला नहीं भाई दिन में बनाएंगे, दिन में करेंगे अपलोड। और मैंने वेट किया और सुबह इसका एक नया अपडेट आ गया। पहले गाइस हिंट ये थी कि ये आपको गो फेस्ट में सेकेंड मिथिकल पोकेमोन की तरह मिल सकता था, बट गाइस पोकेमोन गो ने मतलब पोकेमोन गो ने नहीं, ये एक पेज है गाइस उसने खुद ही इसको क्लियर कर दिया कि गो फेस्ट में इसको आप कैच नहीं कर सकते हो। तो मतलब क्या है? और बाकी फिर सुबह जब मैंने चेक किया तो यहाँ पर एक पोस्ट आ गई जो कि पोकी माइनर्स ने निकाली है, वहाँ पर क्लियरली लिख दिया कि ये लोडिंग स्क्रीन में आने वाला है। लोडिंग स्क्रीन इज अ फर्स्ट स्टेप, उसके बाद ये गेम में एंट्री कर देगा। आप लोगों को पता है कि जर्नियस की एंट्री कैसे हुई थी गाइज, सिल्वियन की एंट्री कैसे हुई थी, सबको पता है, जिसको नहीं पता गाइज याद करो। और ऐसे ही मैक्सिमम पोकेमोन की एंट्री हुई थी, स्नीवी का कॉम्युनिटी डे कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था गाइस, लोडिंग स्क्रीन की वजह से डिसाइड किया था गाइस। तो ये क्लू है, बाकी हमारे ट्विटर हैंडल्स में आप जाके हम लोगों को फॉलो करें, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर अच्छी लगी और ऐसी वीडियो फ्यूचर में बार बार देखने का मन है, पोकेमोन रिलीज होने से पहले आपको पता चल जाए उसके बारे में अपडेटेड रहने का मन है गाइस, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर देना और जितने भी सोशल मीडिया वहाँ से हर जगह वीडियो शेयर करने की कोशिश किया करो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।